इंडिया गठबंधन की नींव लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में पड़ी थी, लेकिन गठबंधन ने विस्तार महाराष्ट्र में हुए विपक्षी दलों की बैठक में लिया था। अब जब दिवाली बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई दे रही है, तब एक बार फिर इंडिया गठबंधन का मिनी रूप महाविकास आघाड़ी और मिनी एनडीए समझे जाने वाली महायुति के बीच कई समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र आहोत, एकत्र पुढे जाणार आहोत। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आपने सबको डरा रखा है, बीजेपी वालों को। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को हराने के लिए सब साथ साथ हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल अब भी इशारों में काफी कुछ कह रहा है। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। सांगली में राहुल गांधी की रैली थी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज रैली में पहुंचे, लेकिन इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी कोई नेता उस रैली में नहीं पहुंचा। उद्धव का राहुल की उस रैली से गायब होने का एक गहरा अर्थ भी लगाया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनावों में सांगली से शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल ने हरा दिया था। दरअसल महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। ये कहा जाता है कि शिवसेना मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला चाहती है, जबकि एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर फैसला करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विषय करायचं काही कारण नाही, अनेक असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। त्याच्यानंतर लोकांचा पाठिंबा मिळाल्याच्या नंतर एक स्थिर पर्याय सरकार या राज्यात देशात देऊ। ये शरद पवार ही थे जिन्होंने बीजेपी से खफा उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री बनने की सलाह दी थी। अब शरद पवार ही जो ज्यादा सीटें जीतेगा उस पार्टी के मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। कहने को शिवसेना उद्धव भी कह रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बयान कुछ अलग इशारा कर रहा है। पहले मुझे बताइए कि शानदार काम किया है किसने कहा? तो उन्हीं को पूछो क्या मैं दोबारा उनको चाहिए या नहीं चाहिए। जो मेरे साथी थे जब मैं मुख्यमंत्री था, उनका कहना है मैंने शानदार काम किया था, तो उनको पूछो। और चेहरा होना चाहिए तो सब साथ में मिलकर चेहरा बनाओ। शिवसेना उद्धव और शरद पवार के एनसीपी के बीच कांग्रेस भी। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और दोनों दलों की 9 और 8 के मुकाबले 13 सीटें जीती थी। अब अगर कांग्रेस भी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अपना मुख्यमंत्री चाहे तो क्या गलत है? कुल मिलाकर महाराष्ट्र में गठबंधन शक्ल तो नहीं लेता दिख रहा है, लेकिन पूरी शक्ल क्या होगी इसमें अभी वक्त है।